हेलो फ्रेंड, मैं जा रहा हूँ डिंडोरी घूमने, तो आपको दिखाऊंगा डिंडोरी का सीन कैसा है। ठीक है, मिलते हैं डिंडोरी पहुँचने के बाद। हेलो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ डिंडोरी। ये देखिए, ये डिंडोरी का सीन। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं वैसे, और सॉरी मैंने आपको बताया नहीं कि मैं डिंडोरी जा रहा हूँ करके, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, इसीलिए आप लोग को मैंने बताया नहीं कि मैं डिंडोरी जा रहा हूँ करके। वैसे मुझे भी बाद में पता चला कि दोस्त डिंडोरी लेके आ रहे हैं। 10 बजे करीबन पता चला था, मैं कुछ टाइम सो के उठा था इसीलिए। काफ़ी बड़ी बड़ी हैं दुकानें, हैं मोबाइल की शॉप है, और यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों। अरे यहाँ कुछ हो रहा है शायद, बलूने लगी, ये देखिए अब कुछ हो रहा है। अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर कुछ तो हो रहा होगा। ये देखिए दुकान, ये है बड़ी मॉल। कौन सा मॉल है ये भैया? अन्नपूर्णा मॉल, बहुत बड़ी मॉल है यार दोस्तों। और आगे दिखा रहा हूँ आप लोग को, हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं क्योंकि मेरा काम हो चुका है। ये पता नहीं क्या पुलिस की वैन है ना, ये पुलिस वाली वैन जा रही है। बहुत ट्रैफिक है यहाँ, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, तो चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी पीछे से आके ठोक ना दे, चढ़ा ना दे, ऐसा डर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों वो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू लगा है। चलो आप लोग को मैं पास से दिखाई दे रहा हूँ, वहीं चल रहे हैं हम लोग, आपको पास से दिखाऊंगा। सॉरी गाइस, ये रानी अवंती बाई का स्टैचू है। ये बहुत ही मशहूर है डिंडोरी पे, बहुत ही ख़ास तरीके से इसे बनाया गया है। आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, बहुत देख लेना एक नज़ारा है। देख लीजिए दोस्तों आप, काफ़ी बड़ा भी है ये, देखिए आप, बहुत ही दर्शनीय है ये। मुझे आज ही देखने को मिला ये, क्योंकि मैं डिंडोरी पहली बार आया हूँ दोस्तों। डिंडोरी में ऐसा कुछ है मुझे पता नहीं था। दोस्तों यहाँ पे लिखा है रानी अवंती बाई, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने गलत बोल दिया था। चलिए आगे दिखा दे रहा है। मैं खरीद लूँ थोड़ी सब्जी, क्योंकि सब्जी नहीं है हम लोग के यहाँ, वो सब्जी खरीद रहा हूँ। वो भी मटर दे दो, हाँ दे दो ना, आधा दे दो भैया, उठाओ ना मटर भैया, अच्छे से रखना यार। देखिए दोस्तों मैं मटर ले रहा हूँ, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मैंने गोभी लिया है ये, और ये मटर साथ पे, गोभी मटर। बस बस हो गया, आलू कितने हो गए? लो लो दीदी, ये ज़्यादा है, 20 रुपए का है। ये देखिए दोस्तों, अब फल, मेरे पास पैसे अब बचे नहीं है, मेरे पास किराया लायक बस पैसे हैं।
नहीं तो इन सब में से बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, मैं यहाँ से कुछ ले लेता पर अब कुछ नहीं लेना। ये बहुत बहुत शानदार, इतने सारे हाय। मैं पहुँच गया हूँ स्टैंड, अब दिखा रहा हूँ आप लोग को कि मैं यहाँ से बस पे बैठूँगा। यहाँ पे नहीं लगी हम लोग की बस, उस साइड लगी हुई है यहाँ पे। ये ज्योति बस निकल गया अभी ना? ज्योति अभी 6 बजे की नहीं यार, ज्योति निकल गई होगी। नहीं निकली होगी रे 6 बजे यार, शायद यार वही उसी पे जाना पड़ेगा लग रहा है यार। निकल गई होगी ज्योति यार हम लोग बस में। ये कहाँ की बस है यार इतनी बड़ी यार? सिमरन नहीं, ये कहाँ भोपाल वाली बस है ना? ये भोपाल वाली बस है दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुत बहुत बड़ी है भोपाल। दोस्तों मैं बस पे बैठ चुका हूँ, ये आप मुझे देख रहे हो, मैं बस पे बैठ चुकी हूँ। बस 10-15 मिनट बाद निकलेगी यहाँ से, अभी स्टैंड पे रुकी है। अभी बस की टाइम नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम है, टाइम हो जाएगा तो बस निकलेगा।